नेक्स्ट एमसीक्यू से कि इन द ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी बिलिरुबिन इज, यानी कि इन द ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी बिलिरुबिन में आरबीसी के ब्रेक डाउन को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए रियूज बाई न्यू रेड सेल, ऑक्सीडेशन ऑफ बिलिरुबिन, रिटर्न टू द पोल एंड एक्सक्रेस्टेड। यानी कि जब भी अगर हमारे बिलिरुबिन में आरबीसी टूटता है तो हम उसको बोलते हैं एक्सक्रेटेड, उस प्रक्रिया को हम एक्सक्रेटेड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स डेट कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जब आयरन प्रोटीन का कंबाइन होता है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेमेटिन, हीमोसेड्रिन, हीमोग्लोबिन या ऑक्सीग्लोबिन। तो ये आप लोग हमेशा सुनो होगे एक शब्द यहाँ पे हीमोग्लोबिन। जब भी उसके उसमें हमें आयरन भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है जिसके कंबाइन से बनता है तो उसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ स्टेनिंग वी यूज टू स्टेन रेटिकुलोसाइट इज कॉल्ड, वो कौन सा ऐसा स्टेनिंग है या स्टेन है जिससे हम रेटिकुलोसाइट काउंट स्टेन करते हैं, यानी कि रेटिकुलोसाइट जो स्लाइड होता है उसको हम स्टेन करते हैं। सुप्राविटल, अल्ट्राविटल, नॉन विटल या काउंट स्टेनिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, जब भी हम रेटिक काउंट के लिए जो हम स्टेन यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सुप्राविटल स्टेन। तो यहाँ पे सुप्राविटल स्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द चीफ फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट इज टू, यानी प्लेटलेट का चीफ फंक्शन कौन सा है, फाइटिंग फंक्शन, एड इन कोआगुलेशन, एंटीबॉडी फॉर्मेशन एंड कैरी ऑक्सीजन। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, एड इन कोआगुलेशन। नेक्स्ट है द टर्म थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इंडेसिस एंड, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का इंडेसिस को कौन से टर्म को हम बोलते हैं, एबनॉर्मली लो नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट, अबनॉर्मल हाई नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट, नॉर्मल नंबर ऑफ प्लेटलेट या अबनॉर्मल लो टोटल वाइट ब्लड सेल्स। तो जब भी आप देखो जब थ्रोम्बोसाइटो किसको बोलते हैं, जब प्लेटलेट की संख्या हमारे शरीर के अंदर जब कम हो जाती है तो उसको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो अबनॉर्मली लो नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट को हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं, यानी कि प्लेटलेट की संख्या जब कम हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं अबनॉर्मल प्लेटलेट, यानी कि अबनॉर्मलिटी लो नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट है द नॉर्मल नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट पर यूएल इज, यानी कि जो प्लेटलेट है उसका नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए। तो 5,000 से लेकर 10,000 तक, 1,25,000 से 1,50,000 तक, 1,50,000 से 4,50,000 तक और 5 लाख से 10 लाख तक। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 1,50,000 से 4,50,000 तक। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कुछ लैब ऐसे होते हैं जो 4 लाख तक नॉर्मल रेंज रखते हैं, कुछ लैब होते हैं जो 4,10,000 तक रखते हैं। तो ये लैब लैब के ऊपर है, वेरी करता है, लेकिन नॉर्मली अब जो प्लेटलेट की जो संख्या होती है नॉर्मल वो होती है 1,50,000 से 4,50,000 तक।